स्टूडेंट्स, इंकजेट प्रिंटर्स पर बात करते हैं। इससे पहले जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक के एप्लीकेशन में जो इम्पोर्टेंट वन हमने पढ़ा था, वो था हमारे पास फोटोकॉपियर के फोटोकॉपी मशीन किस तरह वर्क करता है, उसका इंटरनल जो प्रोसेसेस होते हैं वो हमने पढ़े। अब हम इंकजेट प्रिंटर्स के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर में आप देखते हैं आपके पास यूजुअली हर एक घर में होता है, तकरीबन ऑफिसेज में होते हैं जो प्रिंटर्स हम यूज करते हैं, किसी डॉक्यूमेंट का, किसी पेपर का प्रिंट आउट निकालते हैं। तो अब प्रिंटर जो है वो किस तरह वर्क करता है, इंकजेट प्रिंटर्स जो है एक्चुअली उसमें यूज होता है इंक। इंक हम यूज करते हैं उसको वहां पर। अब इंक कैसे यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो है वो इंक है, बिकॉज इंक ही यूज होता है, और उसका जो कॉपी है, उसकी जो डॉक्यूमेंट की कॉपी है, जो प्रिंट है उसकी, वो निकाल लेता है। तो अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो फिगर है वो एक्सप्लेन करेंगे कि फिगर में हमारे पास क्या क्या होता है, और फिर इसके वो प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे कि किस तरह ये वर्क करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास होता है इंक रिजर्वायर, जो कि आप यहां पर देख रहे हैं। इंक रिजर्वायर वो पार्ट है इसका जहां से हम इंक प्रोवाइड करते हैं, यानी ये इंक जमा करने की, स्टोर करने की वो जगह है जहां से इंक जो है इसको मिल जाता है। नेक्स्ट यहां पर पंप होता है। पंप क्या करता है, पंप यहां से इंक को सक कर लेता है, यानी इंक को यहां से निकाल कर जो बाकी पार्ट से उन तक पहुंचाता है। तो इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, पंप कहते हैं। अब पंप से जब ये इंक को सक करता है तो पंप से पास होता है। अब यहां पर देखे नेक्स्ट वन हमने जो पार्ट दिखाया ये सिलेंड्रिकल पार्ट आपको जो नजर आ रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास है नोजल। ऊपर लिखा हुआ है देखें, इंक नोजल, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल एक्चुअली वो मटेरियल्स हमारे पास होते हैं जिनकी जो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज है वो स्ट्रेस पर डिपेंड करते हैं। यानी अगर हम फॉर एग्जांपल एक मटेरियल है, लेट्स सपोज दिस, इस पर अगर हम बोथ साइड से स्ट्रेस जो है वो इंक्रीज कर लें, यानी इसके जो डायमेंशन है वो हम चेंज कर ले, तो इसमें जो है वोल्टेज क्रिएट हो जाता है, यानी इसमें इलेक्ट्रिकल पल्सेस क्रिएट हो जाते हैं, इलेक्ट्रिकल फिनोमिनन्स आ जाते हैं स्ट्रेस अप्लाई करने से। तो ऐसे मटेरियल्स को हम कहते हैं पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स। जिस तरह के आपके पास जो टच स्क्रीन इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं वहां पर भी आप उसको टच करते हैं, तो एज अ रिजल्ट वहां पर क्या होता है, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल की वजह से वहां पर जो इलेक्ट्रिकल फिनोमिनन्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। सो यहां पर आप देख रहे हैं के नूजल होता है। नूजल क्या करता है, जब इससे ये इंक पास होता है, इस नूजल से देखिए ये नूजल है, इंक इसमें एंटर होता है, जब इससे पास होता है इसको फोर्स किया जाता है इंक को कि वो पास हो जाए। जो जब ये इससे पास होता है तो वो स्मॉल ड्रॉपलेट्स में डिवाइड हो जाता है, स्मॉल ड्रॉपलेट्स यानी छोटे छोटे उसके जो कतरे होते हैं उसमें डिवाइड हो जाता है। नेक्स्ट इसके बाद हमने क्या यहां पर रखा हुआ है, चार्जिंग टनल, या इसको हम चार्जिंग इलेक्ट्रोड भी कहते हैं, इलेक्ट्रोड। चार्जिंग इलेक्ट्रोड का क्या काम है, इलेक्ट्रोड का काम है कि ये इन ड्रॉपलेट्स को चार्ज कर ले। जब हम इसकी जो स्विच है वो ऑन कर लेते हैं तो जो ड्रॉपलेट्स, जो इंक ड्रॉपलेट्स, जो कतरे इससे पास होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो चार्ज हो जाते हैं, यानी उस पर चार्ज आ जाता है। और अगर हम स्विच को ऑफ कर लें तो फिर ये काम नहीं करता, परफॉर्मेंस इसकी बंद हो जाती है, और एज अ रिजल्ट जो कतरे इससे पास होते हैं ड्रॉप्स वो फिर चार्ज नहीं होते, यानी अनचार्ज, न्यूट्रल पास होते हैं। तो यानी चार्जिंग टनल जो है वहां से हम एक्चुअली इन ड्रॉपलेट्स को चार्ज कर सकते हैं, और या चार्जिंग जो है वो हम स्टॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आता है डिफ्लेक्शन प्लेट्स, ये आपको नजर आ रहे हैं डिफ्लेक्शन प्लेट्स। डिफ्लेक्शन प्लेट्स एक्चुअली क्या करता है, इसकी जो पाथ है उसको डिविएट करता है, जो चार्ज पार्टिकल्स है उनकी पाथ को क्या करता है, डिविएट करता है। यानी जब वो इन हमारे पास इन प्लेट से पास होते हैं चार्ज पार्टिकल्स, तो देखिए ये प्लेट्स भी चार्ज होते हैं, और जब इससे चार्ज पार्टिकल्स भी प्लेट पास होते हैं तो फिर क्या होता है कि वो डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, दोनों के फील्ड्स आपस में मिल जाते हैं और वो डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक पॉजिटिव प्लेट है, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज यहाँ से एक नेगेटिव जो है एक चार्ज पास हो रहा है, तो ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसका जो पाथ है वो देखिए वो यूं बन जाएगा, यानी इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। इसी तरह अगर कोई पॉजिटिव पार्टिकल यहाँ से पास हो रहा है तो वो इसको रिपेल करेगा पॉजिटिव से, देखिए वो यूं चला जाएगा। यानी एक्चुअली जो प्लेट्स हैं वो क्या करते हैं, चार्ज प्लेट्स वो इन ड्रॉपलेट्स के पाथ को कंट्रोल करते हैं, या तो इनको स्ट्रेट जाने देते हैं, अगर न्यूट्रल
ड्रॉपलेट्स हैं तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता प्लेट्स का, क्योंकि उन पर चार्ज नहीं, सो वो स्ट्रेट पास होते हैं। अगर वो चार्ज पार्टिकल्स हैं, अगर यहाँ से उनको चार्ज मिल गया, सो वो फिर डिविएट करते हैं, अपना अपने पाथ से वो डिविएट करते हैं, डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, तो उनको हम कहते हैं डिफ्लेक्शन प्लेट्स। और नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, पेपर है, जिस पेपर पर आप प्रिंट आउट निकालते हैं ये वो पेपर है, और जो इस डायरेक्शन में देखे ये मूव हो रहा है, इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है। जब पेपर इस डायरेक्शन में मूव होता है तो जो ड्रॉपलेट्स आते हैं देखे वो इसके ऊपर स्ट्राइक करते हैं, पेपर के ऊपर इसको वो चिमट जाते हैं वो ड्रॉपलेट्स, और एज अ रिजल्ट जो चीज आप प्रिंट आउट करते हैं वो इस पेपर के ऊपर प्रिंट हो जाते हैं, और एज अ रिजल्ट आप उसको ऑब्टेन कर लेते हैं। अब अगर फॉर एग्जाम्पल सपोज हमें ड्रॉपलेट्स चाहिए कि वो पास हो जाए तो हम उसको स्ट्रेट छोड़ देते हैं, अगर हम चाहते हैं कि ड्रॉपलेट्स इस पेपर तक ना पहुंच पाए तो फिर हम क्या करते हैं, इस जो इलेक्ट्रोड है इसको ऑन कर लेते हैं, और एज अ रिजल्ट जब इलेक्ट्रोड ऑन हो जाता है सो ये पार्टिकल्स को क्या कर लेता है, चार्ज कर लेता है। तो जब पार्टिकल्स चार्ज होते हैं, ड्रॉपलेट्स चार्ज होते हैं, सो फिर वो वहां से स्ट्रेट पास नहीं होते, बल्कि यहां से आकर इन प्लेट्स की वजह से वो डिफ्लेक्ट होते हैं नीचे इस तरह, और इस पार्ट में आ जाते हैं, यानी पेपर पर वो नहीं चले जाते बल्कि वो डिफ्लेक्ट होकर इस पार्ट में आ जाते हैं जहां पर, जिसको हम क्या कहते हैं, गटर कहते हैं, यानी गटर वो पार्ट है इसका जहां पर जो पार्टिकल्स हमें पेपर पर नहीं चाहिए होते हैं वो यहां पर आ जाते हैं, और एज अ रिजल्ट इस गटर से हम वापस इसको इस रिजर्वायर में ले आते हैं और अगेन उसको हम यूज करते हैं। तो ये हमारे पास वो टोटल फिनोमेना था इंक जेट प्रिंटर्स का। अगर हम उसको थोड़ा सा रिव्यू कर लें तो ये है कि इंक रिजर्वायर से, इंक यहां से निकलता है, पंप उसको सक कर लेता है, यहां से इंक चला जाता है नूजल्स में, नूजल क्या कर लेता है, उनको स्मॉल ड्रॉपलेट्स में डिवाइड कर लेता है, स्मॉल ड्रॉपलेट्स में। फॉर एग्जांपल ये इंक है, फॉर एग्जांपल ये नूजल से जब पास होता है तो देखिए स्मॉल ड्रॉपलेट्स से इस तरह स्मॉल स्मॉल पीसीज में ये डिवाइड हो जाता है, यूं स्मॉल पीसीज में ये डिवाइड हो जाता है। तो आगे जाकर क्या है, आगे इसके हमने इलेक्ट्रोड रखा हुआ है, जब वो इलेक्ट्रोड से पास होते हैं तो एज अ रिजल्ट वो उसको, अगर हमें इस पेपर के ऊपर प्रिंट आउट चाहिए सो हम इलेक्ट्रोड को स्विच ऑफ कर लेते हैं ताकि जो पार्टिकल्स हैं वो न्यूट्रल रहें, और जब तक वो न्यूट्रल रहेंगे वो स्ट्रेट पास होंगे और पेपर तक पहुंच जाएंगे। और अगर हम हमें प्रिंट आउट नहीं चाहिए कुछ डॉक्यूमेंट का तो फिर हम क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रोड को ऑन कर लेते हैं, ये ड्रॉपलेट्स को चार्ज कर लेता है, तो जब ड्रॉपलेट्स इन प्लेट से चार्ज प्लेट से पास होते हैं सो वो डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, स्ट्रेट नहीं चले जा सकते क्योंकि दोनों चार्ज बॉडीज हैं, सो वो डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, गटर में आ जाते हैं, और एज अ रिजल्ट पेपर पर वो नहीं पहुंच पाते। सो हम देख रहे हैं कि चार्ज पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट होंगे और जो न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं वो स्ट्रेट पास होंगे। अब ये हमारे पास जो नेक्स्ट है डिफ्लेक्शन प्लेट्स, ये चार्जिंग का काम करते हैं, सॉरी डिफ्लेक्शन का काम करते हैं, जो चार्ज पार्टिकल्स हैं उनको डिफ्लेक्ट करते हैं, जो न्यूट्रल पार्टिकल हैं उनको स्ट्रेट पास करने देते हैं। और नेक्स्ट आपको पेपर नजर आ रहा है, ये जो एच आपको नजर आ रहा है इसका मतलब है कि ये हमने प्रिंट आउट निकाला है, इसका एच का हमने वो प्रिंट आउट दिखाया हुआ है कि किस तरह ड्रॉपलेट्स आते हैं और इस फिगर को वो बना लेते हैं। नेक्स्ट है गटर, जो ड्रॉपलेट्स हमें नहीं चाहिए होते हैं पेपर के ऊपर वो डिफ्लेक्ट होकर गटर में आ जाते हैं, यहाँ पर स्टोर हो जाते हैं और वापस इस रिजर्वायर में आ जाते हैं। एक हमारे पास एक दूसरा भी जो यूज होता है प्रिंटर, वो डिपेंड करता है किस पर, या उसको हम कहते हैं ड्रॉप ऑन डिमांड प्रिंसिपल, ड्रॉप ड्रॉप ऑन डिमांड प्रिंसिपल। ड्रॉप ऑन डिमांड प्रिंसिपल में क्या होता है कि इसमें हमें जो ड्रॉपलेट्स चाहिए होते हैं सिर्फ वो हम नूजल से रिलीज कर लेते हैं, बाकी अगर हमें नहीं चाहिए होते तो वो हम रिलीज नहीं करते, यानी जो डिमांडेड होते हैं जो ड्रॉपलेट्स जस्ट वो हम रिलीज कर लेते हैं और वो पहुंच पाते हैं। और इसमें अगर आप देखें तो इसमें सारे ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, जो हमें चाहिए होते हैं वो हम स्ट्रेट न्यूट्रल छोड़ देते हैं, जो हमें नहीं चाहिए होते हैं वो हम चार्ज कर लेते हैं और वो डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। सो ये वाला जो है ड्रॉप ऑन डिमांड प्रिंसिपल, ये एक्चुअली इसकी जो डिफिशंसीज है दोनों में, फर्क है सॉरी इफिशंसीज में, जो हमारे पास इंक जेट प्रिंटर्स है और ड्रॉप ऑन डिमांड, कुछ इसके एडवांटेज है और कुछ इंक जेट प्रिंटर्स के। तो हमारा जो सेंट्रल पॉइंट था, जो टॉपिक था, वो था इंक जेट प्रिंटर्स का, जो हमने डिटेल के साथ पढ़ा।